अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मार्बल केक। तो जिसके लिए हमने ये लिया है 1 कप मैदा, उसका 1/3 कप जो है वो हमने चीनी ली है, और एक हमने 1 अदद अंडा लिया है। यानी हम जो केक बनाएंगे आज, एक ही अंडे में आपको बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अंडा जो है वो हमने इस बाउल में तोड़ के डाल देना है। अंडा हमने तोड़ के डाल दिया है। अब हमने इसमें 1 कप जो है वो ऑयल डाल लेना है। ये तकरीबन जो है मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब ये हमने चीनी डाल देनी है। आप चाहे तो आप इसको क्रश करके इन्हें चीनी का पाउडर घर में बना के वो भी डाल सकते हैं, और ऐसी भी साबित चीनी डाल सकते हैं। अब ये तकरीबन जो है वो 1 कप हमने इसमें दूध भी डाल लेना है। अब हम इन्हें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये चीनी जो है इसमें हल कर लेनी है। आप चाहे तो आप बीटर से भी हल कर सकते हैं, ये चम्मच से भी हल कर सकते हैं। तो अभी लाइट नहीं है तो मैं जो है वो चम्मच से ही हल करके दिखाती हूँ। आपने यानी इसको तकरीबन 5 या 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से चम्मच से ऐसे हिलाना है, तो ये चीनी जो है वो अच्छी तरह से हल हो जाएगी इसमें। चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो गई है। तो अब हमने इसमें ये 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाल देंगे। कुछ ड्रॉप्स जो है वो हम वनीला एसेंस के डाल देंगे, ये तकरीबन 1/2 चम्मच। इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें वो जो मैदा रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये कहीं पे जो है वो लम्स ना बनने पाए। इस तरह करके आपने इसमें सारा मैदा जो है वो डाल लेना है। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। आपने बैटर ऐसे बना लेना है, ना इसको ज़्यादा थिक करना है और ना इसको पतला करना है। बिल्कुल ऐसे जो है आपका बैटर होना चाहिए केक के लिए। केक का जो बैटर था वो हमने इस 1 कप में थोड़ा सा जो है, ये देखो 1/2 कप हमने उनसे अलग कर लिया है क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बैटर उसको अलग कर लिया। अब हमें इसमें से कोकोआ पाउडर डाल लेना है। ये हमने तकरीबन जो है वो 1 बड़ा चम्मच जो है इसमें कोकोआ पाउडर डाल लिया। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यानी इसको हमने चॉकलेट की शेप जो है वो दे देनी है। ये देखो इसको हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हमने एक कटोरा ले लेना है, यानी केक बनाने के लिए जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। ये देखें हमने ये इस साइज़ का जो है ये कटोरा ले लिया है। अब हमने इसमें अंदर से चारों तरफ से और नीचे से भी ऑयल लगा लेना है। ये देखिए चारों तरफ जो है हमने ऑयल लगा लिया है इसमें। सबसे पहले हमने इस बाउल में ये सादा बैटर डाल लेना है थोड़ा सा। फिर हमने बीच में जो है वो अब हमने इसके ऊपर फिर से सादा जो है वो बैटर डाल देना है। हमने दोबारा से इसके ऊपर इसके बीच में डाल लेना है आपने। हमने
हमने बीच में जो है वो डाल दिया था कोकोआ पाउडर। अब अपने इसमें इस तरह आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। इसमें हमने गैस पे जो है वो ये प्रेशर कुकर रख दिया है, इसके अंदर हमने ये कटवा रख दिया है। आप चाहे अगर आपके पास स्टैंड जो है वो अवेलेबल है तो आप इसमें स्टैंड भी रख सकते हैं, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसमें मार्बल या कोई पत्थर की जो पीसेज है जिनकी साइज सेम हो वो भी रख सकते हैं, ताकि आपका केक का जो कटोरा है वो बैलेंस में रहे। तो मैंने ये कटवा बीच में रख दिया है। अभी हमने गैस जो है वो फुल की है ताकि ये गर्म हो जाए, बाद में हम गैस को स्लो कर लेंगे। ये मुकम्मल तौर पे गर्म हो गया है, अब हमने इसके ऊपर कटोरा रख देना है। ये देखिए हमने कटोरा जो है वो रख दिया है, गैस को अब हम मुकम्मल तौर पे फुल जो है वो स्लो कर लेंगे, मतलब बहुत हल्की धीमी आंच से हम इसको बनाएंगे। और ऊपर जो है हमने इसका ढकना रख देना है प्रेशर कुकर का, लेकिन हमने ऊपर इसकी सीटी नहीं लगानी, उसके ऊपर जो वेट है वो नहीं रखने, सिर्फ इसका ढकना जो है वो ऐसे ही रख देना है। और ये तकरीबन जो है 30 से 40 मिनट तक हमने इनको बहुत हल्की आंच पे इसको ऐसे ही रखे रहना है। केक जो है वो काफ़ी फूल चुका है, अगर हमने देखना है कि अंदर से वो पक चुका है या अभी कच्चा है, तो हमने एक छुरी की मदद से, अगर छुरी बिल्कुल ऐसे साफ बाहर आए तो आप समझ जाए कि केक जो है वो पक चुका है। तो केक जो है वो हमारा बन चुका है, तकरीबन इसको 40 मिनट जो है वो पूरे हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और केक जो है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं कुकर से। इसको हमने बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी हम इसको कटोरे से नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ा जो है ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको इससे निकालेंगे। केक जो है वो ठंडा हो गया है, अब हमने इनको साइडों से पहले छुरी से साइडों से अलग कर देना है। चारों साइड से हम इसको अलग कर देंगे ताकि ये आसानी से निकल आए। केक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नरम बना है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है।